करती हूँ। लग रहा है रौनक आपको? प्रणाम करता हूँ। नीचे आके करो, नीचे प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, वेरी गुड, इट्स लाइक अ गुड बॉय। दार पापा ने बुबू कभी ये ऐसा कुछ बुबू कभी करो, ए ऐसे नहीं, प्रणाम करो बुबू को जल्दी। तो आज क्या है? जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। जन्माष्टमी बहुत बहुत बधाई हो, जन्माष्टमी में आप लोगों को बहुत बहुत खुशी लाए। जन्माष्टमी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी जो है रौनक, ये रौनक के पिछले साल का आइटम है ये सारा, जो कानों को पहनाते हैं, और लेकिन इसकी ड्रेस नहीं मिल रही है मेन चीज। अरे झूठ मिल जाएगी है ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द लसपाल फैमिली, एंड टुडे इज जन्माष्टमी। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, और अभी पूजा करने वाले हैं हम लोग, और आज सभी का व्रत है लगभग लगभग, मम्मी का और रौनक की मम्मा का और मेरा, बाकी लोगों का नहीं है। तो बैलेंस करके चल रहा है, तीन लोगों का नहीं है और तीन लोगों का है, और रौनक का व्रत नहीं है क्योंकि ये भी छोटा है ना रौनक। और रौनक हो जा रहा है, और साथ देते हुए रौनक इस बार कुछ गाना गा रहा है, रौनक पता नहीं क्या गाना गा रहा है। ये चल डांस रौनक, तो गाइज अभी टाइम हो चुके हैं दिन के 3:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और व्रत हमारा चल रहा है अभी भी, और भूख तो लगी रही है, लेकिन क्या करें, व्रत तो कंप्लीट करना ही है हमें, और कन्हैया जी को खुश करना है। इन भाई साहब ने तो व्रत रखा नहीं है, इन्होंने खाना खा लिया है ना। और ये छोटा भाई हमारा गया था मार्केट में रौनक का ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि रौनक का ऊपर वाला जो कुर्ता था कन्हैया वाला वो गायब हो चुका था, पता नहीं कहाँ रख गया इन्होंने। और ये कह रहे हैं कि 150 रुपये का लेके आए हैं, तो 150 रुपये का देखते हैं कैसा है क्वालिटी वगैरह, आप देखना जज करना कि 150 के लाइक है या उससे ज़्यादा बढ़िया है। वाह, ये देखना खोलना इसको, और ये आ चुकी है रौनक की मम्मा। सही है ना, 150 रुपये में तो सही है। ये कहाँ से मिलेगा 150 रुपये का यार, सही है ना, सस्ता मिला ना हमें तो। हल्द्वानी में देखिए चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बस ढूंढना पड़ता है यार, जाना पड़ता है इधर उधर। और ये पापा सो रहे हैं, और देर इज अ सरप्राइज फॉर मम्मी, मम्मी आपके लिए सरप्राइज है, खोलो। C11 आपके लिए दिया, देखो किसने दिया आपको, ये है इसकी तरफ से गिफ्ट, प्रकाश की तरफ से। और ये हमारे लिए भी सरप्राइज था यार, इसने काफी अच्छा गिफ्ट दिया जन्माष्टमी का। और मम्मी ने व्रत रखा था, व्रत का फल मिल चुका है कन्हैया गोपाल ने, यही है आज का कन्हैया, इधर देखो कन्हैया, यही है इसने दिया गिफ्ट, बहुत बढ़िया, हमें भी काफी अच्छा लगा ये सरप्राइज देख के। तो और एक्चुअली ये लेने गया था सेकेंड हैंड फोन, और मम्मी को मिला नया फोन, तो कैसा लग रहा है मम्मी आपको अभी? अच्छा तो लग रहा है, चलाना तो नहीं आता, फिर कोशिश तो करूंगी। सीख जाएंगे, सिखा देंगे, एक तो ये है सिखाने के लिए घर में है ना, ये घर पे रहती है, ये सिखा देगी जब तक, ये भी सिखा देगा और ये भी सिखा देगा। ये अभी अपने एप्पल आईपैड में बिजी है, इसका भी अनबॉक्सिंग हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो मम्मी अब इसकी अनबॉक्सिंग कीजिए आप प्लीज़ अपने स्टाइल में, ये पता लग जाता है मम्मी को कैसे खोलना है। यस तो देखिए सबसे पहले क्या निकला इसमें, मम्मी क्या है बताओ, ये क्या है? पेपर बिल, बिल है। पेपर बिल, पेपर है ये, पेपर है जो भी पेपर है। हाँ पता लगेगा, ठीक है क्या करना है। और ये रहा आपका फोन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ऐसे लग रहा है चला पाऊंगी, चला लोगे आप? ब्लैक में काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है इसका फोन, मजा आ रहा है देखने में।
नए फोन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल देखिए सिर्फ ये चार्जर मिलता है, आजकल ये इसका चार्जर मिला हुआ देखिए रियलमी का, और ये इसका है सिम इजेक्शन जो पिन आता है। बहुत बढ़िया, ये लो फोन आ गया इसका नया, मम्मी का नया फोन आ गया। फोन नहीं दिया लागे ना, चलो अब तो आते गया फोन ये लो C11। अभी इसको जाना है, चलो बोलो मुबारक आपको। पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, दो कैमरा। और अभी यहाँ बात चल रही है कि नया वाला पापा रखेंगे फोन और पुराना वाला अपना मम्मी को दे देंगे। तो मम्मी आप पुराना फोन रखोगे या नया रखोगे? अभी अभी देखते हैं, एक मैं चलाने आ जाए तो यही रखूंगी। मेरे को नया ही रखो, अगले साल आप चेंज कर लेना, एक साल तो चलाने दे नया। हाँ तो रहा आपको ऊपर नीचे तो सही कर रही है बिल्कुल। इसमें से क्या क्या पता लग रहा है आपको बताओ? ये फोन का है, ये फोन का है, और ये वीडियो है, ये कैमरा, हाँ कैमरा है, और ये आदमी जैसे दिख रहा है वो क्या है? ये पता नहीं, ये कॉन्टेक्ट वाला है नंबर, से धीरे धीरे चलाना सीख जाओगे आप। तो अभी अभी कृष्णा जी बता रहे हैं, आप सभी को दर्शन कर लीजिए, बिल्कुल मजा आएगा आपको। 1 2 3 गो, ये देखिए, वाह, जय हो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो रौनक बहुत अच्छा लग रहा है इस टायर में, और 150 रुपये का ये मात्र, और ये बाकी सभी पुराना था, और रौनक के बाल उड़ चुके हैं, और ये रौनक कितना अच्छा लग रहा है, बाल होते तो और भी अच्छा लगता। काफी अच्छा लग रहा है उन्होंने कहा यार। तो मम्मी का तो अपना सरप्राइज मिल चुका है, और मम्मी काफी खुश है फोन से अब। और फोन देखिए कहाँ गया फोन, ये दूसरा पुराना फोन बोला मेरे को। मम्मी का फोन क्या है? अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है? ये 2 GB रैम है, 32 GB हार्ड इंटरनल स्टोरेज है इसमें, और 3 कैमरे है क्या इसमें? 3 कैमरे है क्या भाई? 3 कैमरे और सभी कन्हैया जी को अपने मोबाइल में कैद करते हुए, और साथ में कन्हैया जी की मम्मी भी है। क्यूट। किसने आपको तैयार किया रौनक, बताओ पहले आपको किसने तैयार किया? अम्मा जी ने। ये देखो हाँ, गुस्सा क्यों हो रहा है यार? गुस्सा नहीं करना हाँ, चलो सारे बच्चे कृष्ण भगवान है आज के दिन, तो जितने भी है ना रौनक, कल से पिटाई शुरू आज के लिए कृष्ण भगवान है रौनक, है ना? चलो ये लो, अब दादी भी पकड़ेंगी कृष्ण भगवान को। रौनक मुरली से मार रहा दादी को यार, ऐसा बच्चा है ये, ऐसा बजाओ ना रौनक, ये देखो मेरे को तो आने का बजाना नहीं। ये देख। हमने रौनक को, तो चले अब शाम को मिलते हैं आपको आरती में। टिल देन ओके बाय बाय। मम्मी सबूत मिटाते हुए जो बाबू ने चाय गिराई है, अच्छा खासा गद्दा हमारा खराब कर दिया। क्या ग्रीन टी, अब इसका दाग तो जाएगा नहीं, पहली बार इसमें कुछ गिरा हुआ। और ये कुछ बोल नहीं रहे अभी बेचारे, क्योंकि सदमे में है ना, कहीं मारना पड़ जाए। तो आज रौनक ने शैतानी नहीं की है, रौनक के दादू ने शैतानी की है, और अच्छा खासा चादर भी खराब कर दिया, और ये कोई बात नहीं चलेगा, गद्दे भी।
A few moments later. तो अभी हम आ चुके हैं किचन में, शाम का वक्त हो चुका है, प्रसाद की तैयारी हो रही है और अब बाकी पूछेंगे रज्जू से क्या बना रही है वो। तो हेलो रज्जू, क्या बन रहे है? पूरी जल गया, पूरी है जल गया, ठीक है। हाँ पूरी है, पनीर है, मिक्स सब्जी है, ओके खीर है, बस खीर तो दिख गया मुझे, काफी देखने तो टेस्टी लग रहे हैं। आगे पूरी तल चुकी है यहाँ पे और ये खीर, इसके अंदर होगा अपना पनीर, पनीर के दर्शन करा रहे हैं। ये देखो पूरियाँ तली जा रही गर्मा गर्म, ये है अभी पूजा के लिए खाली और ये है पनीर। तो रज्जू खाना बहुत अच्छा बनाती है वैसे, है ना? थैंक यू। तो प्रसाद अभी आ चुके हैं मंदिर में और मम्मी देखिए अभी भगवान को सजा रही है, नहला दी है कान्हा जी को। अब कान्हा जी दिखाते हैं आपको कैसे लग रहे हैं इस टाइम पे ना। ये देखिए कान्हा जी हमारे विराजमान है यहाँ पे बिल्कुल, और मम्मी ने बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है इसको, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लो, ये कृष्णा आ गए हमारे नए यहाँ पे। क्या लगाऊं? ठीक है, अब पूजा की तैयारी हो रही है, मम्मी लगा रही है दिया। दिया लग चुका है, अब जोर जोर से आरती गानी हमने, ठीक है? बिल्कुल हाँ, ऐसे जैसे आंधी आती और पेड़ हिलते हैं वैसे करना, बिल्कुल स्टेप, ठीक है हिमालय? ओके। कैसे करते हैं? जैसे जब आंधी आती पेड़ कैसे हिलते हैं? ऐसे बिल्कुल झूम रहे हैं बिल्कुल, ठीक है? लाल की घोड़ा पाल, जय कन्हैया लाल की, राजी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। थैंक यू। में
काफ़ी आरती वगैरह और भजन वगैरह गा दिए हैं हमने, और खास कर इसने गाए हैं बहुत ज़्यादा, इसको सब याद है भजन, है ना। तो भजन वजन हो चुका है, अब है पेट पूजा का टाइम, पूजा हो चुका है और व्रत तोड़ने का टाइम है। अभी थोड़ा प्रसाद बांटेंगे मम्मी, उसके बाद फिर हम खाएंगे। भगवान को भोग लगा चुके हैं, भगवान को भोग कृष्णा जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। जय हो बोलो, जय हो बोलो, जय हो ऐसे बोलो। चलो ठीक है फिर, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। अब प्रसाद खाते हैं उसके बाद व्रत तोड़ लेते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और द लसपाल फैमिली की ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।